आज की मूवी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपने रिलेशनशिप के चक्कर में ब्रोथल में काम करना पड़ा और आगे उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ वो सब जानने के लिए वीडियो में बने रहे। मूवी की स्टार्टिंग मीमा से होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ब्रोथल के पास आई थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि बस 15 दिन की तो बात है, फिर हम शादी कर एक साथ ही रहेंगे। इतना कहकर वो चला जाता है और मीमा ब्रोथल के अंदर आ जाती है। गाइज, ब्रोथल वो जगह होती है जहां प्रोस्टिट्यूट काम करती हैं। वही ब्रोथल के अंदर जाते ही मीमा को उस ब्रोथल की ओनर कॉलेट मिलती है जो कि उसे उसका रूम दिखाती है और उसे कुछ टिप्स भी देती है। साथ ही वो मीमा की कमाई का 50% हिस्सा लेने की बात करती है। कुछ देर बाद कॉलेट उसे बाकी लड़कियों से मिलवाती है जहां एक लड़की मीमा से पूछती है कि उसका पिंप कौन है। अब क्योंकि मीमा को पिंप का मतलब नहीं पता था इसीलिए वो कुछ बता नहीं पाती। इसके बाद कॉलेट उसे वहां के डॉक्टर के पास उसकी बॉडी चेकअप कराने के लिए ले जाती है जहां डॉक्टर उसकी बॉडी चेक करने के साथ ही साथ उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ आके पैसे कमाने की क्या जरूरत पड़ी। मीमा जवाब देती है कि उसकी मॉम बीमार है और डैड की डेथ हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर उसका झूठ पकड़ लेता है और उसे सच बताने के लिए कहता है। तब मीमा बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक इलेक्ट्रीशियन है लेकिन अब वो खुद का बिजनेस करना चाहता है जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं हैं और इसलिए मीमा ब्रोथल में काम करने आई है ताकि जल्द से जल्द वो पैसा कमाकर उसे दे दे जिससे उसका बॉयफ्रेंड बिजनेस शुरू कर सके। डॉक्टर उसकी एज देखकर उसे वापस से जाने के लिए कहता भी है लेकिन मीमा उसकी बात नहीं मानती। नेक्स्ट डे सभी क्लाइंट्स के सामने कॉलेट मीमा को पेप्रिका नाम से इंट्रोड्यूस कराती है और तुरंत ही मीमा यानी कि पेप्रिका को उसका पहला कस्टमर भी मिल जाता है। दोनों फिर रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं लेकिन पेप्रिका उसे काफी इंजॉय करती है और कस्टमर ने जितने पैसे दिए थे उसके मुकाबले वो ज्यादा वक्त तक इंटीमेट होता है। वहीं जब पेप्रिका को इसका एहसास होता है तो वो बेल बजाती है जिसे सुनकर कॉलेट उसके रूम में आती है और पेप्रिका के लापरवाह होने के कारण उसे सुनाती भी है। उस दिन पेप्रिका काफी लोगों को सर्विस देती है जिससे रात को उसे पेन हो रहा था और सुबह होते ही वो कॉलेट के पास जाकर इसके बारे में बताती है, लेकिन कॉलेट कोई सोल्यूशन देने की बजाय सेक्स टॉय के जरिए उसे पेनिट्रेट करती है। अगले सीन में पेप्रिका फ्रैंको नाम के आदमी को सर्विस दे रही थी और फ्रैंको को पेप्रिका पसंद आ जाती है इसीलिए वो उसे इस काम को छोड़कर अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन पेप्रिका इसे मना कर देती है। इस तरह फ्रैंको डेली ब्रोथल आता है और वो हर बार पेप्रिका को ही चुनता है। एक दिन वो उसे कहीं बाहर चलने के लिए पूछ लेता है जिसके बाद हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। दोनों इंजॉय ही कर रहे थे कि तभी पेप्रिका की नज़र नीनो पर पड़ती है जो कि एक दूसरी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में मौजूद था। पेप्रिका जब उसके पास जाती है तब वो लड़की पेप्रिका से पूछती है तुम कौन हो, जिस पर पेप्रिका कहती है कि मैं नीनो की गर्लफ्रेंड हूँ और हमारी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है। इस पर वो लड़की मुस्कुराते हुए नीनो के बारे में कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और हम पिछले 3 साल से एक साथ हैं। कुछ देर में नीनो और वो लड़की वहां से चले जाते हैं लेकिन इस इंसिडेंट से पेप्रिका काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और उस वक्त फ्रैंको उसे सपोर्ट करता है। फिर वो उसे अपने घर ले जाता है जहां दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह फ्रैंको पेप्रिका से कहता है कि मैं कुछ दिनों में कैप्टन बन जाऊंगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर पेप्रिका कहती है कि उसे अब किसी के झूठे वादे नहीं चाहिए, वो अब खुद के लिए ब्रोथल में ही काम करेगी। वहीं जो पेप्रिका ब्रोथल में होती है तब नीनो वहां आता है और पेप्रिका को कोने में ले जाकर कहता है कि उसे भी पेप्रिका की कमाई में हिस्सा चाहिए। पेप्रिका हिस्सा देने से मना कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि नीनो ही उसका पिंप है। असल में पिंप वो होता है जो ब्रोथल में लड़कियों को लाता है और बदले में उसे कमीशन मिलता है। पेप्रिका ये जानकर डर जाती है और नीनो के वहां जाने के बाद वो कॉलेट से हेल्प मांगती है, जिस पर कॉलेट कहती है कि मैं तुम्हें नीनो से बचा लूंगी। उसके अगले दिन ब्रोथल में एक रोको नाम का आदमी आता है जो कि एक लड़की का पिंप था और जिस लड़की का वो पिंप था उसे वो काफी मारता है क्योंकि उस लड़की ने उसे कमीशन नहीं दिया था। इसे देखकर पेप्रिका काफी डर जाती है। वहीं कॉलेट भी मौजूद थी लेकिन वो उस लड़की को नहीं बचा पाई इसलिए पेप्रिका को डर था कि कहीं उसे भी नीनो इतनी बुरे ना मरे। इसी कारण वो दूसरे शहर क्लब में जॉब पाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं ट्रेन में उसे रोको मिल जाता है
और वो उसके साथ जबरदस्ती ट्रेन के वॉशरूम में इंटीमेट होता है और जब रोको उसे पेनिट्रेट करता है तब वो काफी इंजॉय करती है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एक साथ देखते हैं। सुबह हो चुकी थी इसलिए पेप्रिका क्लब में जॉब लेने के लिए जाती है लेकिन क्लब का ओनर उसे जॉब देने से मना कर देता है। असल में रोको नहीं उस क्लब के ओनर को ऐसा करने के लिए कहा था ताकि वो पेप्रिका को दोबारा किसी ब्रोथल में बेच कर कमीशन कमा सके और क्योंकि पेप्रिका को जॉब नहीं मिली थी इसलिए वो रोको की बात मान लेती है। वहीं एक दिन जब वो ब्रोथल में काम कर रही थी तब उसे अपना एक पड़ोसी वहां दिखाई देता है। वो आदमी पेप्रिका को रूम में लेकर जाता है और डेली उसे ब्लैकमेल करता है, उसके साथ इंटीमेट होता है और एक दिन पेप्रिका उसकी कंप्लेंट रोको से करती है जो उसे धमकी देता है जिसके बाद वो आदमी पेप्रिका से नहीं मिलता। कुछ दिन बाद उस ब्रोथल के एक लड़की की मौत हो जाती है जिससे पेप्रिका डर जाती है और वो फैसला करती है कि वो ये काम छोड़कर किसी नाइट बार में काम करेगी। वो इस बार रोको को बताती है लेकिन रोको उसे जाने से मना करता है। इसी को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तभी पेप्रिका को पता चलता है कि रोको की वजह से ही उसे क्लब में जॉब नहीं मिली थी। वहीं अब वो रोको के बारे में ब्रोथल के ओनर को बताती है जो उसे कहती है कि वो उसे रोको से बचा लेगी। कुछ देर बाद हम पेप्रिका को एक नाइट बार में किसी के साथ डांस करते हुए देखते हैं। तभी वहां फ्रेंको आ जाता है और जैसे ही वो उसे देखता है तो वो तुरंत उसके पास जाती है जिसके बाद दोनों ब्रिज पर इंटीमेट होते हैं। इसी बीच फ्रेंको बताता है कि बोट खरीदने के लिए उसके पास पैसे कम है इसलिए पेप्रिका उसकी हेल्प करती है और अपने पैसे उसे दे देती है। अब क्योंकि उसके पैसे खत्म हो गए थे इसलिए वो वापस एक दूसरे ब्रोथल में काम करने लगती है और कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि फ्रेंको की बोट को पुलिस जब्त कर ले गई है। फिर ऐसे ही वो कुछ दिन काम करती है। एक दिन वहाँ काफ़ी अमीर आदमी अपने बेटे को लेकर आता है और उसका बेटा भी पेप्रिका को ही चुनता है जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद हम उस अमीर आदमी की बर्थडे पार्टी देखते हैं जहाँ उसने पेप्रिका को भी बुलाया था क्योंकि उसके बेटे ने पेप्रिका की काफ़ी तारीफ करी थी जब वो उसके साथ इंटीमेट हुआ था। इसी कारण वो अमीर आदमी भी पेप्रिका के साथ इंटीमेट होता है और उसे भी पेप्रिका काफ़ी पसंद आती है जिस वजह से वो उससे शादी कर लेता है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उस आदमी की मौत हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा पेप्रिका को मिल जाता है जिससे वो एक बोट खरीद कर फ्रेंको को गिफ्ट कर देती है। साथ ही दोनों ने अभी शादी भी कर ली थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।